नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में, हूँ आपके साथ शिवानी पांडे। एक ऐसा फैसला जिसका लोग 7 सालों से इंतजार कर रहे थे, मैं बात कर रही हूँ निर्भया केस की, जहाँ पर निर्भया को अब इंसाफ मिला है। आपको बताते चलें कि 22 जनवरी सुबह 7 बजे निर्भया के दोषियों को फांसी हो जाएगी। इसी के साथ साथ परिवार में भी, निर्भया के परिवार में भी काफी खुशी का माहौल है। इस पर उनके चचेरे दादा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि आज ही क्यों ना रात में फैसला दे दे कि फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, बहुत खुशी होगी। और हमारे ही गाँव में केवल खुशी नहीं होगी, आस पास पड़ोस गांव गिरान समाज देश विदेश हर जगह खुशी होगी। इसलिए कि अगर ये फांसी के फंदे पहले ही लग गए होते तो संभवतः कुछ घटनाएं कम भी होती या ना के बराबर हो जाती। 8 साल बीत गए मगर आप लोगों को इंसाफ नहीं मिला अभी तक। 7 साल बीत गए, 8वां चल रहा है, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ये घुटन महसूस हो रहा है, हमको अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है कोर्ट तो पहले से भी सक्रिय ही है, कोर्ट अपना काम सही कर रही है, कोर्ट पर भरोसा है, पूरी तरह से भरोसा है। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि अब इनको फांसी के फंदे पर कोर्ट तत्काल लगाने के लिए एक डेट अवश्य डाल देगी। फांसी के जिस दिन, अभी तो मैंने ये हुआ है कि हम सुने हैं कि फांसी की फंदे बन रही है, हमको बहुत खुशी मिलेगी। इन दरिंद्रों को 8, हमारी बहन तो उसी वक्त चल गई, लेकिन ये दरिंद्रे तो अभी 8 साल जिए हैं, 8 साल जिए हैं, 8 साल इनको जिंदा देखकर हमारी अंदर की आत्मा धधक जाती है। हमारे गाँव में बहुत अच्छा माहौल होगा, बहुत खुशी की माहौल होगी। तो इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।